अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड कि मैंने किस तरह जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये कि उन स्कैमर्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना जो कहते हैं कि हमें इतने पैसे देते हैं उतने पैसे देते हैं और आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, या मैंने एक महीने में 50,000 कमा लिया, 1,00,000 कमा लिए और आप भी हमें ज्वाइन कर लें। जब वो खुद ही इतने कमा रहे हैं तो किसी और को ज्वाइन करवाने की क्या ज़रूरत है, मज़े करें। तो खैर भाई, हम यहाँ कोई पैसे वैसे लेने नहीं बैठे हुए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बस आप लोगों को इस चीज़ से वो करना है कि आप खुद अपने लिए कुछ कर सकते हैं और आप खुद अपना एम्पायर बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आपने अपने कॉन्टैक्ट्स किस तरह बिल्ड करने हैं और किस तरह की प्रोडक्ट्स लेनी है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं ये, दो चार जो हर कोई नहीं बताता, बस डायरेक्ट ये बता देता है कि हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस इतने में स्टार्ट कर लिया, इतने में कर लिया, इतने टाइम में बन गया, उतने टाइम में बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है इन सब में। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था कि उसमें ये पूछा था कि मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो किस तरह से बिल्ड किए। मैं दो तरह की प्रोडक्ट्स पर काम करती हूँ, एक तो वो प्रोडक्ट होती है मेरे पास जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट होती है, ठीक है, और सेकंड होती है वो भी अच्छी होती है लेकिन वो नॉर्मल क्वालिटी की होती है, मकसद उसके जो प्राइस हैं वो बहुत नॉर्मल रेंज के होते हैं, ठीक है। तो मैं दो तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम करती हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि मैं किस तरह की दो क्वालिटी पे काम करती हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले होल सेल मार्केट्स देखनी है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको 1,000 वीडियोज मिल जाएंगी इस तरह की, ठीक है। मैं स्क्रीन पे नंबर भी मैंशन कर दूंगी जो हमारी कम्युनिटी बनी हुई है उसकी, व्हाट्सएप की, बिजनेस से इसी बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें आपको कॉस्मेटिक्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो मैं नंबर डाल दूंगी यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है। आप में से जो चाहे वो मुझे कांटेक्ट कर लिएगा, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने कांटेक्ट इसी तरह बिल्ड करे कि मैंने होल सेलर्स से कांटेक्ट किया और उनसे कुछ प्रोडक्ट्स जब मंगवाई, जब मेरे पास ऑर्डर आया, उससे पहले मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं मंगवाई। हाँ, मैंने ये ज़रूर करा कि जब मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाई तो उसमें मैंने एक दो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मंगवाई, ताकि मुझे खुद भी क्वालिटी का आइडिया हो कि मैं किस तरह की क्वालिटी पे काम कर रही हूँ। मैं किसी को बताऊँगी तो एटलीस्ट उसको पता, तो मुझे खुद पता होगा तो मैं उसको समझाऊँगी, ठीक है। सेकंड थिंग ये थी कि आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो आपके सराउंडिंग के इर्द गिर्द के जो आपस के लोग हैं, करीबी जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो किस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपने इसी तरह की क्वालिटी पे काम करना है। आपने सबसे पहले बहुत बेसिक जो है, आपने अपना इंस्टाग्राम का चैनल बनाना है, इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, आपने टिकटॉक यूज़ करना है और आपने व्हाट्सएप पर अपडेट करना है। कोशिश करें जब आप इस तरह का कोई बिज़नेस या कुछ कर रहे हो तो आप अपना व्हाट्सएप बिज़नेस यूज़ करें, ठीक है, आप नॉर्मल वाला व्हाट्सएप यूज़ नहीं करें, ठीक है। उसमें एक कैटलॉग होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका बिज़नेस बिल्ड होता जाए आप उस कैटलॉग को भी अपडेट करते जाएँ साथ साथ, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके सराउंडिंग की किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, आपने इसी तरह की क्वालिटी पे काम करना है। अगर आपके इर्द गिर्द नॉर्मल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं तो आपने नॉर्मल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को करना है, प्रमोट करना है, और वही आपने अपने पास मंगवानी है और वही आपने दूसरे को भेजनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ओरिजिनल पे काम होता है, जैसे कि नार्स हो गया, पिक्सी हो गया, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ओरिजिनल चाहिए होते हैं लोगों को, या वो ओरिजिनल ही आपके सराउंडिंग में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने फिर ये करना है कि आपने ओरिजिनल पे ही काम करना है, ठीक है, ओरिजिनल भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा। अब उसकी पहचान किस तरह करनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, उस पर QR कोड होता है, उस पर वो स्कैन करना होता है, उससे आपको क्वालिटी का उसकी जो वो है वो पता चल जाएगी कि ये ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। उस पर एक बार कोड बना हुआ होता है, बाज़ अवकात धोखा भी हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग सीखते जाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से कैसे इसको कवर करना है और किस तरह क्वालिटी का पता लगाना है, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या होती है, एक तो आपने डेली पोस्टिंग करनी होती है, डेली अपडेट करनी होती है चीज़ों से रिलेटेड, थोड़ा बहुत कंटेंट भी बनाना होगा आपको। शुरू में तो आपने यही करना है कि आपने पिक्चर्स नहीं, आपने पोस्ट करनी। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो आपको इतनी उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह की प्रोडक्ट पे काम करती हूँ, और मैंने आपको कहा कि मैं दो क्वालिटी की प्रोडक्ट पे काम करती हूँ, एक नॉर्मल वाली भी और एक जो होती है ओरिजिनल वाली उस पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक, ये देखिए
ये है एक 100 रुपीज़ की नॉर्मल रेंज की लिपस्टिक, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यूज़ करने में बुरी नहीं है, लेकिन बस क्वालिटी की बात है। कुछ लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कुछ नॉर्मल क्वालिटी के यूज़ करते हैं। तो ये एक 100 रुपीज़ की लिपस्टिक है, एज यू कैन सी, ये देखें बहुत अच्छी है, फिनिशिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है इसकी भी, ये देखें, ठीक है। ये आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ होल सेल रेट, ठीक है। ये होल सेल रेट की एक 100 रुपीज़ की लिपस्टिक है, और ये है हमारे पास वेट एंड वाइल्ड की, ठीक है, इसमें इम्पोज हुआ हुआ है यहाँ वेट एंड वाइल्ड, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक है, ठीक है, एक ये क्वालिटी है, ठीक है। ये देखिए वाइट कलर, ये ओरिजिनल लिपस्टिक है, सही है। और ये आपको मिल जाएगी हमारे पास से होल सेल रेट में 350 रुपीज़ की, इसकी ओरिजिनल मार्केट रेट है 600, 650, 700 तक, ठीक है। और ये जो मार्केट में सेल होती है ये नॉर्मल क्वालिटी की 300, 350 इस तरह से, सही है। अब ये देखें, ये है नार्स का, ठीक है, ये ऑन द ग्लो ब्लश आई थिंक सो उसको कहते हैं। ये देखिए, ये इसकी पैकेजिंग ही बता रही है, मकसद मुझे तो बताने की भी ज़रूरत ही नहीं है कि ये ओरिजिनल है या नहीं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, मैं इसको अंदर से भी दिखाती हूँ, ये देखिए सर्च करके दिखाऊँ, यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है और कितना स्मूथ है, ठीक है। ये आपको अगर आप हमारे पास से होल सेल रेट में होती हैं सब चीज़ें ओरिजिनल हो, या हमारे पास है ना ओरिजिनल भी लेकिन नॉर्मल रेट में मिल जाती हैं, मकसद सेल में ही होती हैं ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास, तो ये आपको 1500 तक मिल जाएगी, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये 1500 का आपको मिलेगा, और अगर आप वैसे परचेज़ करते हैं किसी शॉप से या कहीं और से, तो आई थिंक सो ये 6000 का मेरे ख्याल से सेल हो रहा है, या इससे ज़्यादा का ही होगा। तो ये है क्वालिटीज, ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये एक नॉर्मल क्वालिटी है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप इन्वेस्ट करके काम करते हैं तो नॉर्मल क्वालिटी से स्टार्ट करें, ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी पे ना जाएं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये चीज़ है, और आपने जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तब आपने प्रोडक्ट उठानी है एंड देन आपने उनको डिलीवर करना है। अच्छा, डिलीवरी का क्या होता है, आप अगर आपके ही सिटी में डिलीवर कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से भेज दें, और अगर आप वैसे जैसे किसी और सिटी में आपको भेज रहे हैं तो कुछ नहीं होता, एक आपने अकाउंट बनवाना होता है अपना जाके कुरियर सर्विस के यहाँ, और अपना जो बैंक अकाउंट होता है वो आपने दे देना है साथ में, तो ये है कि वो उसके साथ लग जाता है, और जो आपकी फिर आपका वो होता है आपने यहाँ भेजना होता है, आप वहाँ प्रोडक्ट ले जाकर दे देते हैं, वो 4 से 5 दिन में या 1 हफ्ते में डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो एक ये छोटी सी थी वीडियो जीरो इन्वेस्टमेंट पे, कि आप किस तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं घर में ही। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो हमारे पास ज्वेलरी भी अवेलेबल होती है होल सेल रेट पर, और हमारे पास मेकअप भी अवेलेबल होता है होल सेल रेट पर, ये जो गैजेट्स होते हैं स्मार्ट वॉचेस होती हैं ये भी आपको मिल जाएंगी होल सेल रेट पर। तो ये काफ़ी इतनी ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हमारे पास ये कैटेगरीज अवेलेबल हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं होल सेल रेट पर। जिसने भी कॉन्टेक्ट करना हो मैं नंबर लगा दूँगी यहाँ लिंक में, यहाँ पर ऊपर लिख दूँगी, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।